आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। बेगूसराय में आज मानव श्रृंखला का अलग प्रदर्शन देखने को मिला, जहां मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा मानव श्रृंखला में भाग लेने के लिए हाथ में लिए गए बैनर पोस्टर पर एनआरसी सीए और एनपीआर के विरोध लिखा गया। बैनर पोस्टर लेकर खड़े युवकों का कहना है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा एनआरसी और सीए और एनपीआर लाया गया है, इसके विरोध में आज मानव श्रृंखला के अवसर पर हम कहना चाहते हैं कि नीतीश जी जिस तरीके से जल जीवन हरियाली को लेकर मानव श्रृंखला बनवा रहे हैं, इसका तो मैं समर्थन करता हूं, लेकिन पूरे देश में एनआरसी सीए और एनपीआर के विरोध करता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि एनआरसी सीए और एनपीआर को केंद्र सरकार जल्द खत्म करे। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया है। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, उन्होंने कहा जल जीवन हरियाली और दहेज प्रथा के विरोध और शराबबंदी के विरोध में हम लोग उनके साथ हैं। इसमें कहीं कोई ये नहीं है कि हम उनके साथ नहीं है, लेकिन बिहार के मुखिया नीतीश कुमार आज हमारे साथ नहीं है। हम लोग उनको दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के रहनुमा समझने की जो भूल किए थे, उनका आज मनुवादी चेहरा बाहर आ चुका है। आज वो दलित पिछड़े जिनको एनआरसी और खास करके मुस्लिम समुदाय को उसमें जगह नहीं दिया गया है, उसके खिलाफ हमें जब तक एनआरसी और सीए को रद्द नहीं किया जाता है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आंदोलन भी कर रहे हैं और उसके खिलाफ यहाँ पर श्रृंखला भी खड़े हैं। कहा ना कि ये जो उनका नारा है जल जीवन हरियाली, ये सबके लिए है, ये सिर्फ नीतीश कुमार के लिए नहीं, यहाँ पे जितने लोग हैं दुनिया में तमाम लोगों के लिए अच्छी पहल है ये, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार के साथ, ये काले कानून के साथ नीतीश कुमार खड़े, उनका हम विरोध कर रहे हैं। यही मानव श्रृंखला का मतलब यानी विरोध में आप खड़े हैं, उनके विरोध में लाइन में खड़े हैं आज। बिल्कुल, एनआरसी और सीए के खिलाफ है, हम जल जीवन हरियाली के खिलाफ में नहीं है, नीतीश कुमार के भी साथ नहीं है, हम जल जीवन हरियाली के साथ हैं। क्या नाम? मानव श्रृंखला के साथ हैं, नीतीश कुमार के विरोध में हैं, हम लोग जल जीवन हरियाली के साथ हैं। नीतीश कुमार, अमित शाह, नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, क्योंकि वो सीएए काला कानून लाया। मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को कि प्लीज़ ईगो मत बनाइए, इस पर विचार कीजिए, वापस ले लीजिए। मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नूरुल इस्लाम जिम्मी हुआ।